दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। अभी जिस तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस खबर के मुताबिक भारत को रिसेंटली मिला जबरदस्त खजाना जिससे एक बार फिर से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दोस्तों पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यह आपके लिए एक दो सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल देखा जाए तो भारत दिन पर दिन ऐसा खबर लेकर सामने आया है कि जिससे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों भारत को मिला ऐसा खजाना जिसे अंग्रेज दशकों से रखे हुए थे दबाकर। भारत ने चली ऐसी चाल की अंग्रेज हुए बर्बाद। भारत बना अमेरिका से भी शक्तिशाली देश, ब्रिटेन छोरो अमेरिका में भी आ गया भूचाल। दोस्तों भारत आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसकी वजह से इतिहास दोबारा पलटी मार रहा है। भारत अपना एक एक बदला चुन चुन कर ले रहा है। वही अंग्रेज जो भारत को कंगाल करके चले गए थे, आज भारत उन अंग्रेजों को उन्हीं के शब्दों में करारा जवाब देते हुए उन्हें कंगाल करते हुए चला जा रहा है। जिन देशों को लग रहा था कि भारत उनके बिना आगे चल नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने उनको करारा जवाब देते हुए अपने पैरों को इतना मजबूत करता चला जा रहा है कि भारत खुद आत्मनिर्भर होकर हर वह चीज खुद बना रहा है जिससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और दोस्तों आज एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जो अंग्रेजों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। भारत ने अंग्रेजों को कहीं का नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों भारत 1991 से अंग्रेजों के एक ऐसे इंसान के तले दबा हुआ था, और तो और 33 साल से भारत ऐसी शर्मिंदगी का शिकार चलता जा रहा था, ऊपर से करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था अंग्रेजों के ऊपर। लेकिन आज इस दर्द को खत्म किया जा चुका है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल कुछ ही घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अंग्रेजों के पास रखा भारत का जो सोना है उसे आखिरकार 33 सालों के बाद वापस भारत लाया जा रहा है। ये सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10-20 किलो है, ये करीबन 100 टन सोना है। दरअसल भारत के पास यानी कि भारत सरकार के पास टोटल खजाने में करीबन 820 टन सोना है और हम इंग्लैंड से करीबन 100 टन सोना अब वापस मंगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था और अब आखिरकार बड़े प्रयासों के बाद इसे भारत वापस लाया जा रहा है और इसे रखा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में, यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर यह सोना वापस भारत और भारतीयों की तिजोरी में आने जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यह सोना है कौन सा है और क्यों हमने अंग्रेजों के पास रखा हुआ। क्या वह सोना है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे और वापस करने को तैयार हैं? तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले की शुरुआत सन 1991 में ही शुरू हो गई थी। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, यानी बद से बदतर हो चली थी। भारत को अपनी जरूरत के सामान को दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सोने को गिरवी रखना पड़ गया था और तभी से भारत का करीबन 100 टन सोना है अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा था। दरअसल भारत का यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है, इस बैंक के वॉल्ट में डिपॉजिट था। और आपको बता दें भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों का सोना यहाँ पर रखा जाता है और इसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से एक किराया वसूलता है या फिर सिक्योरिटी फीस लेता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 33 सालों से यह सोना भारत का बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा हुआ था और इसमें रखने के लिए भी हमें मोटी रकम चुकानी पड़ती थी हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिक्योरिटी फी की। हमारे सोने की रखवाली करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए हमसे वसूलते थे। और बात सिर्फ पैसों की या सोने की नहीं है, बात इज्जत की भी है। हमारा सोना दूसरे देशों की तिजोरी में पड़ा हुआ था। इससे दुनिया भर में संदेश जाता था कि भारत अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता, यह लोग अपना ही सोना सुरक्षित नहीं कर पाते, यह लोग अपने देश और देशवासियों को कैसे सुरक्षित रख पाते होंगे। इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था, देखिए आपके सोने की रखवाली हम लोग करते हैं, आपका खजाना हम संभालते हैं, आपका देश तो अपना खजाना भी नहीं संभाल पाता। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि 33 साल बीत गए, 1991 से 2024 आ गया, इतनी सरकारें बदली, किसी ने भी यह जिम्मेदारी नहीं ली कि सोने को सुरक्षित भारत लाया जाए और भारत और भारतीयों की तिजोरियों में रखा जाए। आज 2024 में आखिरकार सरकार को इसकी समझ आई है
और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिए गए हैं कि इस सोने को वापस भारत लाया जाए और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वॉल्ट है, जो तिजोरी है, इसमें रखा जाए ताकि हम जो करोड़ों रुपए सालाना इंग्लैंड को देते हैं वह बंद हो और साथ ही दुनिया भर में यह मैसेज जाए कि भारत अपने आप को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है आगे जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे मैं आपको पूरी पिक्चर बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये सिर्फ अकेला सोना नहीं है जो देश से बाहर स्थित है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पास टोटल 824 टन सोना है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 308 टन सोना ही भारत में रखा हुआ है। बाकी का सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखा हुआ है, जो कि यह सोना करीबन 514 टन है, यानी कि भारत में जितना सोना पड़ा हुआ है उससे दुगने से भी ज्यादा सोना हमारा दूसरे देशों के बैंकों में रखा हुआ है। इनमें यूरोपीय यूनियन के बैंक हैं, कहीं ना कहीं अमेरिकी बैंक हैं और बैंक ऑन ऑफ इंग्लैंड है, यहाँ तक कि रशिया में भी कुछ हमने सोना डिपॉजिट करके रखा हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब सरकार ने कमर कस ली है और सारा का सारा सोना स्वदेश लाया जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अब तक 33 सालों में जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी ने भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि यह सिर्फ सरकार का नहीं देशवासियों की मेहनत की कमाई का सोना है। यह हमारे सरकारी खजाने में होना चाहिए था, ये दूसरे देशों के खजानों में कर क्या रहा है दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने पिछले 4 महीनों में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक, भारत ने 4172 टन चांदी खरीद ली। जी हाँ, भारत दुनिया के अलग अलग देशों से चांदी इंपोर्ट करके अपने देश में उसे स्टोर कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 4 महीनों से चांदी खरीदने शुरू करी हो। अगर हम पूरे 2023 साल की बात करें तो उन 12 महीनों में हमने 3625 टन चांदी खरीदी थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार 2024 में बढ़ चुकी है, क्योंकि जितनी चांदी हमने 2023 में खरीदी थी उससे कहीं ज्यादा गुना चांदी हम सिर्फ 4 महीनों में खरीद चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस साल भारत का जो चांदी इंपोर्ट है वह 10,000 टन को भी पार कर जाएगा, यानी कि इस साल हम 10,000 टन से भी ज्यादा चांदी दुनिया भर से खरीद कर अपने देश में उसे स्टोर करके रखेंगे और इसी के साथ भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े चांदी रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत कई सारे सोलर प्रोजेक्ट चला रहा है। हम देश भर में सोलर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारी सोलर पैनल्स और सोलर पैनल को हमें सस्ते में बनाना पड़ेगा। लेकिन सस्ते में हम तब बना पाएंगे जब हमारे पास सोलर प्लेट को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वह भी सस्ते में उपलब्ध हो, और चांदी एक ऐसा ही कच्चा माल है सोलर पैनल को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ऐसे में भारत को लगता है भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से फैलने की वजह से चांदी को लेकर देशों में भक दर शुरू हो सकती है। इसी वजह से भारत अपने आप को भविष्य के लिए पहले से ही सिक्योर कर रहा है। इसके अलावा चांदी की वजह से भारत का जो खजाना है और वह ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सुरक्षित भी बनता। ऐसे में भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ चांदी की चिड़िया कहना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब वह वक्त दूर नहीं जब भारत अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अमेरिका जैसी सुपर पावर की ताकत भारत भी रख सकेगा, क्योंकि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका सोने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है, और जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है उसे देश की इकोनॉमी उतना ज्यादा मजबूत होती है और उससे देश की करेंसी भी मजबूत होती है। अब भारत के इस कदम से भारतीय रुपया डॉलर पर भारी पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।